वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 2.0। तो फ्रेंड्स आज आम ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा लास्ट सिक्स मंथ्स करंट अफेयर्स रो माराथन क्लास नंबर 8। एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 50 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहत भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ए वीडियो टी आपन रो वे वी एस एंड सीजीएल एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो काहेकि ना आपन सीजीएल एग्जाम आपन रो संडे दिन अछि 14 तारिख रे आप मैं केवल गोटे दिन मझे रही ओए भी एस 16 तारीख रु 19 तारीख भितर हो तो से आज तो होगा आप 12 तारीख हो गला तो आउ तीन दिन समय रही। तो फ्रेंड्स ता सहित पीयू एंड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम आप आसगला जुलाई 9 तारीख आप तो समस्त एग्जाम पर इम्पोर्टेंट रो देखा अपन आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुच्च आमर टार्गेट रही जूनियर असिस्टेंट एंड पीयू एग्जाम तो से आम फुल दम्रे पूरा आम गोटे वन ईयर आम करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन सहित स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सिटी इज गेटिंग इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। तो इंडिया रो सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौटी आमर निर्माण करा जाउछि तो ये आमर करेक्ट आंसर हो राजस्थान रो जयपुर रे इंडिया रो सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनिबो। आ फर्स्ट आमर लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौटी अच्छी ना आमर गुजरात रे अच्छी जहाँकि आमर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट रही व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे। एग्जाम पर इम्पोर्टेंट रहिबो से कहते इंडिया प्रथम पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे क्यों बैंक लॉन्च करी को लॉन्च करी किए एक्सिस बैंक लॉन्च करी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल इन मार्च 2023। मार्च 2023 आमर दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल आमर चली किए विन करी तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरविंद चिदंबरम। नेक्स्ट रही व्हिच शिपयार्ड बिल्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। एग्जाम पर इम्पोर्टेंट रहिबो इंडिया प्रथम स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को कौ शिपयार्ड रे तैयारी करायवाला तो ये आम कोचिन शिपयार्ड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कोचिन शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अचिंता सेलू ओन इंडियाज थर्ड गोल्ड एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इन व्हिच वेटिंग लिफ्टिंग कैटेगरी। से कहे वेट अचिंता सेलू जड़े वेट लिफ्टर से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 रे से गोल्ड मेडल जीति तो से कौ कैटेगोरी जीति वेट लिफ्टिंग रे आमर कैटेगोरी रही 49 केजी रोचे 53 केजी रोचे ये आपन रोचे 67 रोचे तो से कौ कैटेगोरी जीति ना 73 केजी कैटेगोरी रे से वेट लिफ्टिंग रे गोल्ड मेडल जीति तो एग्जाम में भी आसी पारे अचिंता सेलू इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स कौ स्पोर्ट्स सहित तो से जड़ित आप वेट लिफ्टिंग थी ऑप्शन रे आउ रेसलिंग थी ता सहित तो बॉक्सिंग थी आउ क्रिकेट थी तो आप मैंने कौन करेंगे ना आप मैंने चूज करेंगे वेट लिफ्टिंग को से वेट लिफ्टिंग बा भार उत्तोलन सहित तो जड़ित अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू दिल्ली पुलिस कमिशनर। से कहते दिल्लीर नुआ पुलिस कमिशनर किए अच्छा वर्तमान प्रेजेंटली आमर अच्छा दिल्लीर नुआ पुलिस कमिशनर से होती संजय अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नुआ चीफ मिनिस्टर किए अच्छा महाराष्ट्र वर्तमान करेन्टली चीफ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर अच्छा किए तो से न्यू चीफ मिनिस्टर पचारि तो नुआ चीफ मिनिस्टर होती किए आपर एकनाथ सिंधे पचारिपे न्यू डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पचार डेप्युटी चीफ मिनिस्टर किए ताले देवेंद्र फडणवीस। एग्जाम पचारिपे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर पचारिपे से होती देवेंद्र फडणवीस आ चीफ मिनिस्टर वर्तमान अच्छा महाराष्ट्र एकनाथ सिंधे। एग्जाम पर इम्पोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप फर्डिनांड मार्कोस जूनियर हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। तो फर्डिनांड मार्कोस जूनियर क्यों देशर प्रेसिडेंट बनी से होती फिलिपींस नुआ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन अंतराष्ट्रीय भार उत्तोलन संघर प्रेसिडेंट किए अच्छा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद जलूद वर्तमान
इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन रो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट रही रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नारिको नमन स्कीम। नारिको नमन स्कीम रिसेंटली को राज्य सरकार लॉन्च करिछी, लॉन्च करिछी किए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन कन्फर्ड विथ सी आई आई क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021। सी आई आई क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 रे किए सम्मानित होती, तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए अशोक सुता। ये क्वेश्चन आप मानकर जून मासर जून 2022 रो क्वेश्चन, तो देखते आप मानकर ओएवीएस सीजीएल एग्जाम जेकोसी एग्जाम आप वन ईयर क्वेश्चन पचारे वन ईयर भितर, तो आप एप्रिल कंडक्ट होगा जाऊँगी, ये मे मस मे मस पर्यटन आम मे 2022 रु आप कना मे 2023 पर्यटन आप कभर कराया पड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन द मलेशियन ओपन मेन सिंगल टाइटल 2022। से कहते 2022 रो मलेशिया ओपन मेन सिंगल टाइटल विनर किए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विक्टर एक्सेलेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली हु हैज क्रिएटेड ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 8:57.19 इन वुमेन्स 3000 मीटर। से कहते रिसेंटली किए गोटे नुआ रेकर्ड सृष्टि करछन, नेशनल रेकर्ड करछन, जे कि 3000 मीटर को से 8:57.19 रे क्रॉस करछन, तो से होछती परुल चौधरी। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो 3000 मीटर को से 8:57.19 रे से अतिक्रम करछन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु हैज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन रो प्रेसिडेंट किए निजुक्ति होती, तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी सुरंजन दास। सुरंजन दास। नेक्स्ट रही हु हैज ओन द टाइटल ऑफ मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 टाइटल विनर किए, तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग ओन द टॉप मैथमेटिक्स प्राइज द फील्ड मेडल 2022। से ये आमर मैथमेटिक्स रे टॉप प्राइज हूँ फील्ड्स मेडल 2022 रे फील्ड्स मेडल किए जीति, तो ये आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो। जून जून हुआ मारियाना बाइस्कोवा एंड जेम्स मेनार्ड, तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल। 2022 रो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स विनर किए, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को विन करछि चार्ल्स लेक्लेर्क। चार्ल्स लेक्लेर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द नेम ऑफ द 94 इयर्स ओल्ड वुमेन हु ओन गोल्ड इन द 100 मीटर एट द वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2022। 2022 रे वर्ल्ड मास्टर्स एट मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप चली था, से 94 वर्ष बयस जड़े बुढ़ी जी कि गोल्ड मेडल जीति 100 मीटर रेस रे तांको ना कौन एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा, कहीं 94 इयर्स ओल्ड वुमेन जदि विन कर गोल्ड मेडल ताहले इंपोर्टेंट रहा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भगवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज रिसीव्ड द शिरोमणि अवार्ड एट एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 इन द यूके। से कहते यूके रो शिरोमणि अवार्ड को आमर किए रिसीव कले, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिशेल पुनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सिंगालीला नेशनल पार्क व्हिच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। सिंगालीला नेशनल पार्क रा न्यूज रे थिला आमर सेप्टेम्बर मास रे, तो सेटा को स्टेट रो अछि एग्जाम में भी आसी पर आमर जीके सेक्शन सिंगालीला नेशनल पार्क आमर, तो एटा आमर कोड अछि एटा अपनर अछि वेस्ट बेंगल रे अछि सिंगालीला नेशनल पार्क। नेक्स्ट रही व्हिच सिटी विल होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। 2025 रो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को किए होस्ट करुछि किए ना टोकियो, ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री हैज टॉप्ड द जेंडर गैप इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आमर जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जारी करा जाइतिला, सेथिरे शीर्ष स्थान रे किए अछि, शीर्ष अछि किए आइसलैंड अछि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आइसलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन द सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज टाइटल तो सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज टाइटल को किए विन करछि विन करछि किए पी वी सिंधु नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रो नुआ एमडी एंड सीईओ किए नियुक्ति होइछंती नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रो नुआ एमडी एंड सीईओ होइछंती आशीष कुमार चौहान नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट विल होस्ट 37th नेशनल गेम्स तो 37th नेशनल गेम्स को स्टेट आयोजित कर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोवा एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो गोवा होस्ट कर 37th नेशनल गेम्स जहाँकि आप मानकर नवेम्बर 2023 अक्टोबर नवेम्बर 2023 कंडक्ट कर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फ्रॉम ओडिशा हैज बीन रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट से कहते ओडिशा रो कौ जगाटा आम रामसर साइट रो मान्यता पाई टांपरा लेक हीराकुद रिजर्वर अंशुपा अलाद तो आमर टांपरा लेक पाई जहाँकि आम गंजाम जिलार अच्छी छतरपुर पाखे हीराकुद रिजर्व जहाँकि संबलपुर बरगढ़ मझे रही अंशुपा लेक जहाँकि कटक रही तीनटा जाक पाई तो ऑप्शन नंबर डी हे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द हॉकी वर्ल्ड कप 2023 से कहते 2023 हॉकी वर्ल्ड कप किए होस्ट करता कौ देश में होता यहाँ आप कौ स्टेट होता से पचार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 आमर आयोजित होता ओडिशारे ओडिशार बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम ता सहित कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर ए दुटा स्टेडियम आमर आयोजित होता 2023 FIH मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप नेक्स्ट रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रो नुआ चेयरमैन किए नियुक्ति होती तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नितिन गुप्ता नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन द टाइटल ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 टाइटल विनर होती किए ना खुशी पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन द केम्पा गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 केम्पा गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 रो विनर किए केम्पा गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 विनर होते प्रकाश पादुकोन एन आर नारायण मूर्ति एस एम कृष्णा ना ऑल ऑफ द अबव तो करेक्ट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर एन ओडीआई 100 फॉर टू नेशंस से कहते एम किए प्रथम क्रिकेटर जी कि दुईटी देश खेल की से सेंचुरी मारी वनडे शतक मारी से योन मोर्गान दुईटा देश इंग्लैंड खेल से आयरलैंड खेली थे ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर योन मोर्गान नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सिटी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज एज पर द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रे वर्ल्ड रो सबुठ सुइटेबल जगह रहा सबुठ मोस्ट लिवेबल सिटी कोटा से पचार तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी भिएना ऑस्ट्रिया रो भिएना होची मोस्ट लिवेबल सिटी नेक्स्ट रही हु हैज बीन सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन्स एनडीए बैच से कहते आम देशर प्रथम वुमेन्स एनडीए बैच रे फास्ट रैंक एग्जामिनेशन किए सिक्योर करानन ढाका नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विथआउट सप्लीमेंटाल ऑक्सीजन एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रे कहे किए प्रथम भारतीय महिला जी कि बिना ऑक्सीजन रे से माउंट एवरेस्ट को चढ़ी ऑक्सीजन बिना से माउंट एवरेस्ट को चढ़ी से होंगे पियाली बसक एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट रही व्हिच टीम हैज ओन द ब्रोंज मेडल इन द मेन्स इवेंट एट एशिया कप हॉकी 2022 तो 2022 हॉकी एशिया कप रे किए ब्रोंज मेडल जीति मेन्स कैटेगरी रे जीति इंडिया ब्रोंज मेडल जीति नेक्स्ट क्वेश्चन रही एंटी टोबाको डे और वर्ल्ड नो टोबाको डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट तो वर्ल्ड नो टोबाको डे बा एंटी टोबाको डे केबे पालन करा जाए 31st मे
मे 31 को पालन करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप हु ओन द इंटरनेशनल पानोरमा गोल्डन अवार्ड। तो इंटरनेशनल पानोरमा गोल्डन अवार्ड किए जीति इंटरनेशनल पानोरमा गोल्डन अवार्ड विनर होती के भी रघुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन द 12th हॉकी इंडिया जूनियर मेन्स नेशनल चंपिशिप। से कहे जे आमर जूनियर मेन्स 12 नंबर हॉकी इंडिया जूनियर मेन्स नेशनल चंपिशिप विनर किए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लींच ए ब्रोंज मेडल एट द पाराकोने वर्ल्ड कप इन पोलैंड। तो पोलैंड रे पाराकोने वर्ल्ड कप चलता से किए प्रथम इंडियन जी कि ब्रोंज मेडल जीति। तो पाराकोने वर्ल्ड कप रे ब्रोंज मेडल जीति प्रथम भारतीय होती प्राची यादव। एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट रही द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस हैज बीन डन इन व्हिच स्टेट। से कहते वर्ल्ड प्रथम फिशिंग कैट मानक सेंसस गणना कौ स्टेट करी। तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। नेक्स्ट रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मनरेगा लोकपाल। आमर जो मनरेगा रही महात्मा गांधी नेशनल रूराल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रही तार वर्तमान लोकपाल किए अच्छा लोकपाल अच्छा एन जे ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द वन इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू प्रिंट वार्निंग ऑन एवरी सिगरेट। तो आपने देखी चंती सिगरेट पॉकेट जो मैंने किणुंट से तापर लिखा जाए टोबाको आम सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरीयस टू हेल्थ लिखा जाए आम कौन ना बॉक्स उपर लिखा जाए कि रिसेंटली कौ देश कौन कर प्रत्येक सिगरेट उपर लिखी आम जो इंजुरीयस टू हेल्थ बोली लिखी स्मोकिंग इज इंजुरीयस टू हेल्थ लिखा जाए किए किए वर्ल्ड प्रथम देश जी कि सब आम प्रिंट करुच्छे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कानाडा। जो सिगरेट रही से प्रत्येक सिगरेट उपर लिखा जाए आम स्मोकिंग इज इंजुरीयस टू हेल्थ बोली से लिखिंट। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर कानाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन फुटबॉलर हैज बिकम द 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री रे इतिहास रे किए पंचम हाईएस्ट गोल स्कोरर बनी। तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज क्राउंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022-23 क्राउन किए जीति। तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी सरगम कौशल। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर सरगम कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु क्लींच्ड सिल्वर एट द वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चंपिशिप 2022। 2022 वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चंपिशिप किए सिल्वर मेडल जीति। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच स्टेट द ऑरेंज फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर 2 डेज। तो ऑरेंज फेस्टिवल 2022 रे कौ स्टेट रे सेलिब्रेट करा जाए। तो ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेट कौटी नागालैंड रे सेलिब्रेट करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स नुआ वाइस चीफ किए निजुक्ति होती। तो ये आम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमनप्रीत सिंह जहाँ को आम एपी सिंह कहीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिया स्टार्टेड व्हिच कैंपेन टू हेल्प अर्थक्वेक अफेक्टेड तुर्की एंड सीरिया। तो आमर तुर्की एंड सीरिया रे आमर अर्थक्वेक होता भूकंप होता तो सेठी से मानकु सहायता जोगाबापाई इंडिया इंडिया गवर्नमेंट बा भारत सरकार कौ कैंपेन लॉन्च करथिले। तो करेक्ट आंसर होची ऑपरेशन दोस्त लॉन्च करथिले जहाँ द्वारा तुर्की एंड सीरिया रे जो भूमिकंप द्वारा प्रभावित होते से मानकु सहाय्य करा जायथिला। एग्जाम पे इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। आउ गोटे रिसेंटली आमर ऑपरेशन कावेरी जहाँ कि वर्तमान आम सुडान वर्तमान गृह युद्ध चली लोक मानकु इंडियन मानकु इवाकुएट करथिले। तो सही ऑपरेशन ना होची ऑपरेशन कावेरी। मन रखुद ऑपरेशन कावेरी सुडान रु आम इंडियन मन को लेकिन आसते ऑपरेशन दोस्त द्वारा आम तुर्की एंड सीरिया रे जो अर्थक्वेक द्वारा से प्रभावित थे से हेल्प करा जाए। तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रही दुटा आम
मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप ह्विच यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाय यूनेस्को एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रही कौन वर्ल्ड प्रथम लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी क्या घोषणा कर यूनेस्को द्वारा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो आज लास्ट क्वेश्चन देखा लास्ट क्वेश्चन रही वेयर इज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म लोकेटेड फार्म लिखिदे एफ ए आर एम हम फार्म तो ये आप करेक्शन करेंगे से कौन इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म कौटी अच्छी तो ये आम करेक्ट आंसर हो कौन ना ये केरल अच्छी केरल आलुवा भिलेज ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी आपने टोटल 50 क्वेश्चन जहाँकि सेयार कले आप आउट ऑफ 50 के स्कोर रखी कमेंट बॉक्स रे निहत भावे जनई पारे जदि फ्रेंड भल लगुच गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिकर अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भावे सेयार करेंगे आज मैंने चैनल नुआ अच्छे चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ और ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाद्वारा आप समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।